गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाढ़ के बारे में, यानी जो प्राकृतिक आपदा है बाढ़, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। बाढ़ का अर्थ क्या होता है, या बाढ़ कब आती है, या बाढ़ के आने के प्रमुख क्या क्या कारण हो सकते हैं, या जो भारत की मुख्य नदियां हैं उनमें बाढ़ आने का, जो बाढ़ लाने वाली नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी जो नदियां हैं जो बाढ़ के लिए कुख्यात मानी जाती हैं। जो अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले बाढ़ का अर्थ, यानी बाढ़ का अर्थ होता है कि स्थलीय भाग का कई दिनों तक, किसी भी स्थलीय भाग का कई दिनों तक जलमग्न रहना, किसी भी स्थलीय भाग का कई दिनों तक जलमग्न रहना ही बाढ़ कहलाता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में वर्षा हो गई और वहां पर कई दिनों से पानी एक जगह इकट्ठा होकर कहीं दूसरी जगह उसकी निकासी नहीं हो रही है और वहां का जो जल स्तर भी ऊंचा हो गया, उस क्षेत्र को अपन कह सकते हैं बाढ़ क्षेत्र। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि बाढ़, अब बाढ़ क्या होगा, बाढ़ कब आएगी या किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति आएगी, यानी जब वर्षा ऋतु में या जब किसी भी ऋतु में लगातार या निरंतर बारिश होती रहेगी तो उसके कारण बाढ़ आ जाएगी, या अपन कह सकते हैं अतिवृष्टि, यानी जैसे कुछ राज्य है जो पहाड़ी राज्य, वहां पर मात्रा यानी वर्षा की जो मात्रा पर्याप्त से भी ज्यादा हो जाती है, उस कारण बाढ़ आती है। और अब बाढ़ आने के कुछ महत्वपूर्ण कारण है कि किस किस कारण से बाढ़ आती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन नदी क्षेत्र में तेज वर्षा, यानी या नगरीकरण के कारण, यानी कोई भी नदी क्षेत्र है या नदी अपवान बेसिन है, उस क्षेत्र में या नदी के क्षेत्र में या अपवान के क्षेत्र में जब निरंतर तेज वर्षा होगी या मूसलाधार बारिश होगी, तो बारिश के कारण वहां का जो पानी है, नदी क्षेत्र का पानी नदी के बहाव को और ज्यादा तेज कर देगा, उस कारण वहां पर बाढ़ आती है, पहला कारण। फिर पढ़ते हैं अपन दूसरा कारण, नदी के मार्ग में अवसाद के जमा हो जाने के कारण, यानी जो कोई भी नदी है, जैसे सदावाहिनी नदी है या कोई दूसरी नदी है जो रोज नहीं चलती है, तो उस नदी में कूड़ा करकट या अवसाद या जो जलोढ़क होते हैं, यानी जो तलछट होते हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी, इनके जम जाने के कारण, यानी नदी की तली में जब कूड़ा करकट अवसाद या तलछट के जमा हो जाने के कारण जो नदी का पैदा है वो अवसर जलोढ़कों से भर जाएगा और उसके जो पानी की मात्रा फिर वो उससे ऊपर होगी, यानी नदी में वो उफान का काम करेंगे, जो जलोढ़क होते हैं वो नदी के पानी के स्तर को ऊंचा कर देंगे और उस कारण से नदी में बाढ़ आने की संभावना है या नदी में बाढ़ आएगी। तीसरा कारण है वन विनाश व चारागाहों के कारण, यानी अपन जैसे जैसे जितना ज्यादा वनों का विनाश करेंगे या जो चारागाह हैं उनका विनाश करेंगे, वो भी सबसे मुख्य थे बाढ़ के कारण माने जाते हैं। अभी बात करते हैं नदी के मार्गों में आबादी की बसाव, यानी नदी के मार्ग में जब कोई भी नदी का अपवाह बेसिन है वहां पर अगर मानव द्वारा कुछ कृत्रिम यानी आवास बना दिया जाए, या कुछ उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां हैं या कुछ और कई फैक्ट्री मिले वगैरह बना दी जाए और नदी के मार्ग को अवरुद्ध यानी नदी के मार्ग को बंद कर दिया जाए, तब जब वर्षा ऋतु में जब पानी आएगा वर्षा का, तो उस मार्ग में वो पानी नहीं जाएगा और वो पानी दूसरी जगह पर पानी चला जाने के कारण वहां का जो जल क्षेत्र है, वो जो नीचे क्षेत्र है, वहां सारी बस्तियां उद्योग धंधे जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि जो नदी का पानी है वो अपने ढाल का अनुसरण करता हुआ आएगा और जहां ढाल होगी नदी का पानी वहीं रहेगा और वहां जो जलमग्न क्षेत्र हो जाएगा वहां पर बाढ़ का कारण बनेगा। अगली बात करते हैं कि अविवेकपूर्ण तरीके से आवागमन के मार्गों का निर्माण करना, यानी कोई भी नदी क्षेत्र है या अपवाह बेसिन है किसी भी नदी का, उस अपवाह बेसिन में जब अपन नदी के मार्ग में अगर किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण या राज्य राजमार्ग का निर्माण या रेलवे मार्ग का निर्माण अगर कर देंगे, तो वहां जो नदी का जो बेसिन है वो उन मार्गों, रेलवे मार्ग या सड़क मार्ग के द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा और जो वर्षा ऋतु के समय जो नदी का पानी या जो तेज वर्षा का जो जल आएगा और उस क्षेत्र में जलमग्न कर देगा उस क्षेत्र को और वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगली बात करते हैं कि जल परंपरागत जल ग्रहण क्षेत्रों को नष्ट करना, अब जो जल परंपरागत जल स्रोत है उनके कारण कैसे बाढ़ आती है, जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई तालाब है, नदी है, झील है, अगर वर्षा ऋतु है
तो वर्षा ऋतु में जो पानी आएगा वर्षा का, वो उस नदी तालाब झील में समाहित हो जाएगा आसपास का पानी, तो बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जब उन परंपरागत जल स्रोतों को मानव द्वारा अपने हित के लिए या अपने अपने के लिए उपयोग में ले जाने के बाद में नष्ट कर देगा, तो वहां पर जो वहां का जो जल है, जब वर्षा ऋतु में जब वर्षा का पानी आएगा तो वहां का जल और फिर नदी का जल जब दोनों सम्मिलित रूप से एक ही मुख्य धारा में बहेंगे और वो जो तेज बहाव होगा और वह क्षेत्र वहां का जो जल मग्न हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पानी क्या होगा, जल मग्न हो जाएगा और उसको आगे पानी को निकासी के लिए अगर जगह नहीं मिलेगी तो वो पूरा क्षेत्र कहीं दिनों तक कहीं महीनों तक जलमग्न रहेगा। अगली बात अपन पढ़ते हैं कि अब कुछ जो नदियां हैं, जो कुछ नदियां हैं जो भी भारत में बाढ़ लाने में मुख्यतया कुख्यात मानी जाती है, यानी उनके कारण बाढ़, यानी जो नदियां हैं उनके आसपास के क्षेत्र या उनके अपुआ बेसिन के क्षेत्र जिनके कारण हर वर्षा ऋतु में बाढ़ आने का मुख्य कारण उत्तरदायी होता है। जैसे अपन बात करते हैं बिहार में एक नदी है कोसी नदी, उस कोसी नदी के कारण जो वर्षा ऋतु में हर साल बाढ़ आई जाती है और बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आने का कारण कोसी नदी है, क्योंकि कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि उस नदी में वर्षा ऋतु के समय हर साल बाढ़ आती है और वहां पर जन धन की हानि होती है। तो बिहार में हो गया कोसी नदी, और पश्चिम बंगाल में हो गया दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है जो पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में चलती है, वहां पर भी वर्षा ऋतु में बाढ़ लाने में मुख्यतया उसका हाथ है, यानी उस वो योगदान करती है। और असम में है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, जो असम का क्षेत्र है वो नदी घाटियों यानी पहाड़ियों का क्षेत्र है, तो असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी राज्यों में या असम राज्यों में बाढ़ लाने में मुख्यतया उसका योगदान है। और एक बात बता दें, असम क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें एक माजुली द्वीप है जिसका वो उदाहरण है, एक नदीय द्वीप का उदाहरण है, यानी विश्व प्रसिद्ध नदीय द्वीप कौन सा, एशिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप होता है वो है माजुली द्वीप है, जो आपका असम में मिलेगा माजुली द्वीप। अगली बात करते हैं कि उड़ीसा, उड़ीसा राज्य या ओडिशा राज्य में जो एक महानंदी नदी है वो भी बिहार उड़ीसा राज्य में बाढ़ के लाने में या बाढ़ के कारण वो वर्षा ऋतु में बाढ़ लाने में योगदान देती है उड़ीसा राज्य में। अब अपन बात करते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना था, भारत में एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना था, यानी 1976 में भारत में एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना था, और लगभग ये जो बाढ़ आती है लगभग 1 करोड़ हेक्टर भूमि को क्या कर देती है, जलमग्न कर देती है हर साल। हर साल भारत में लगभग 1 करोड़ हेक्टर भूमि को जलमग्न रहता है। अगली बात करते हैं, अगर विश्व लेवल पर अगर बाढ़ की बात की जाए तो विश्व के कुल बाढ़ क्षेत्र का, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% भाग पर बाढ़ आती है। विश्व का जो जितना 100% है उसमें से 3.5% भौगोलिक क्षेत्र पर बाढ़ आती है, और विश्व में जो विश्व की जनसंख्या है जो 16.5% जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या जो बाढ़ के क्षेत्रों में निवास करती है, यानी जो जलमग्न क्षेत्र है या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर निवास करती है। अब अपन पढ़ते हैं कि बाढ़ के प्रकार क्या होते हैं, यानी अपन ने पढ़ा था बाढ़ के प्रकार, यानी बाढ़ किस किस प्रकार से आती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थलीय नदी या बाढ़, स्थलीय बाढ़ या नदी, यानी किसी भी स्थलीय भाग में किसी भी नदी के द्वारा अधिक दिनों तक जल जल की मात्रा होती है वो भी एक प्रकार होता है, माना जाता है स्थलीय बाढ़ या नदी बाढ़ का। दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं तटीय बाढ़ या तूफान लहर बाढ़, यानी जो समुद्र के जो तटवर्ती राज्य होते हैं, सीमावर्ती राज्य होते हैं जो समुद्र से लगते हैं, वहां पर जो समुद्र के तूफान, यानी समुद्र में कुछ तूफान आते हैं जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर में हर साल तूफान आते हैं, उन तूफान के कारण जो बारिश होती है उनके कारण जो तटीय राज्य है, तटीय जो क्षेत्र है वहां पर जो बाढ़ आती है उसको अपन कहते हैं तटीय बाढ़ या अपन इसको कहते हैं तूफान लहर बाढ़। अगला बाढ़ पढ़ते हैं कि नगरीय बाढ़, यानी ये हो जाएगा बड़े बड़े महानगरों में जब अधिक बारिश आएगी या बड़े बड़े नगरों में जब वर्षा की यानी अतिवर्षा के कारण जो पानी आएगा उसके कारण जो जलमग्न क्षेत्र होगा उस प्रकार की बाढ़ को कहते हैं नगरीय बाढ़, यानी किसी बड़े बड़े नगरों में। अगला पढ़ते हैं कि स्थानीय जल भराव जनित बाढ़,
यानी कोई भी क्षेत्र है लोकल, यानी अपने आप का स्थानीय क्षेत्र है, वहां पर जल के कारण, जल जनित क्षेत्र के कारण, जहां पर जल अधिक भराव होगा, जहां जल का भराव, जो स्थलीय क्षेत्र अधिक नीचा है वहां पर जल अधिक भरेगा, उसके कारण जो बाढ़ आएगी उसको कहते हैं स्थानीय। यानी ये हो गए आपके बाढ़ के प्रकार, जो मुख्यतः तीन चार प्रकार के होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि 1954 में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। 1954 में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। वहां तो था राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, वो तो था 1976 में, और यह है 1954 में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड है जो 1954 में। अगली बात करते हैं कि 1959 में भारत में बाढ़ नियंत्रण या भविष्यवाणी चेतावनी केंद्र की शुरुआत की गई। यानी जो बाढ़ आएगी उसके लिए बाढ़ की पहले भविष्यवाणी की जाएगी, मान लो, या बाढ़ के लिए चेतावनी दी जाएगी, ताकि वहां के जो लोग हैं वो अपनी दूसरी जगहों पर प्लान कर सके। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो अपनी आजीविका के साधनों से चलाते हैं, अपनी आजीविका के साधन चलाते हैं, तो उनको चेतावनी दी जाएगी कि अब वर्षा ऋतु में बाढ़ आने वाली, आप इस क्षेत्र से प्लान कर जाइए। तो वहां पर यह सबसे पहले शुरुआत की गई थी 1959 में बाढ़ चेतावनी या बाढ़ की भविष्यवाणी करने की। अब अपन बात करते हैं बाढ़ पर नियंत्रण किस प्रकार रखते हैं। यानी जो बाढ़ है, अब बाढ़ तो आ गई, अब बाढ़ का नियंत्रण, यानी नदियों के मार्गों को बदलना चाहिए। जहां जहां पर भी नदियां हैं, यानी सबसे ज्यादा जो बाढ़ वाली नदियां हैं, उनके मार्गों को, जो एक ही धारा में नदी का पानी चले उसको अपन कह सकते हैं, उसके पानी को उप विभागों में या नहरों में बांट दिया जाए, या छोटी छोटी नदियों में उनको मिला दिया जाए। जैसे अपन कह सकते हैं नदी जोड़ो परियोजना, यानी जो नदियों के पानी को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाए या बांट दिया जाए, तब बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ की समस्या से हल पाया जा सकता है। अगली बात, नदियों के जल का त्वरित विसर्जन करना। यानी जब वर्षा ऋतु में जब नदी में जब पानी बारिश का ज्यादा आएगा, तो उस नदी के पानी को अपन जल्दी से जल्दी उस अपवाह क्षेत्र से बाहर की ओर विस्थापित कर दिया जाए, या उसको दूसरी जगह की ओर जहां पर जल स्रोत के लिए कमी हो वहां अपन नहर के द्वारा भेज सकते हैं, या अपन अन्य सुविधाओं के द्वारा उस क्षेत्र को अपन दूर कर सकते हैं। इस प्रकार अगली बात करते हैं अपन कि बाढ़ के समय रहते हुए भविष्यवाणी या जानकारी देना। यानी जब बाढ़ अपन कैसे उस पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि जो बाढ़ आने वाली है उनकी अपन समय रहते पहले अगर अपन जानकारी दे दी जाए, तो अपन क्या होगा, बाढ़ के प्रभाव से या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अपन बच सकते हैं या उनको रोका जा सकता है। फिर अगली बात करते हैं मूसलाधार वर्षा जल को मुख्य नदी में पहुंचने में देरी करना। यानी कोई भी जो बड़ी नदी है, जो मुख्य नदी है, अगर वर्षा ऋतु में अगर मुख्य नदी में सीधा पानी चला आए तो उसमें जल्दी बाढ़ आएगी, लेकिन उसी पानी को अपन जगह जगह बड़े बड़े बांध बनाकर, जगह जगह बड़े बड़े तालाब बनाकर, जगह जगह नहरें बनाकर, उस पानी को, वर्षा ऋतु के पानी को अपन जगह जगह अलग अलग जगह अगर इकट्ठा कर दिया जाए, और उसको समय रहते हुए उसको देरी में, यानी मुख्य नदी में पानी को जाने से बचाने के लिए या कुछ देर के बाद जाने के लिए अगर अपन ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए, तो नदी में बाढ़ आने का अपन उसके बाढ़ को अपन कम कर सकते हैं, यानी बाढ़ आने से अपन बच सकते हैं। अगली बात अपन करते हैं कि अब जो से भारत है, भारत में जो बाढ़ आने के जो मुख्य काम है, ये तो अपन ने पढ़ लिया, बाढ़ के कारण हो गए, बाढ़ के नियंत्रण हो गए, कौन कौन सी नदियां जो बाढ़ लेकर आती है बाढ़ का। अब अपन पढ़ते हैं कि भारत को जो बाढ़ के आधार पर तीन मंडलों में बांटा गया। यानी जो भारत के अलग अलग क्षेत्र है उनमें जैसे अपन बांट सकते हैं कि भारत का ये वाला क्षेत्र अधिक बाढ़ का, ये वाला कम बाढ़ का क्षेत्र, तो भारत को मुख्यतः तीन बाढ़ मंडलों के रूप में बांटा गया। अपन पहला मंडल पढ़ते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो गंगा नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है, अपन कह सकते हैं उत्तर का विशाल मध्यवर्ती मैदान की अगर अपन बात की जाए, जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु ये जो नदियां चलती है, इन नदियों के क्षेत्र को एक मंडल घोषित किया गया। पहला मंडल इसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो है बाढ़ प्रभावित मंडल है। दूसरा अपन बात करते हैं मध्य व प्रायद्वीपीय भारत, मध्य वाला और प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा गोदावरी महानदी है, कावेरी है, ये जो नदियां हैं इनके क्षेत्र को, प्रायद्वीपीय क्षेत्र व मध्य भारत के क्षेत्र को अपन दूसरे मंडल में शामिल करते हैं। तीसरी बात की जाए
तो राजस्थान का मैदान यानी तीसरा जो मंडल है अपन बाढ़ नियंत्रण का, या जो बाढ़ को बांटा, बाढ़ क्षेत्र को बांटा गया भारत लेवल पर, तो उसमें है एक राजस्थान क्षेत्र। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।